बिहार पंचायत आम निर्वाचन के तीसरे चरण में औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड का मतगणना कार्य संपन्न हुआ। प्रखंड के पिपरा पंचायत के मतगणना में निवर्तमान मुखिया और स्वर्गीय बंटी सिंह की पत्नी रीमा देवी चुनाव हार गई हैं। उन्हें इंजीनियर विजय सिंह यादव की पत्नी प्रीति कुमारी ने 332 मतों के अंतर से हराया। जहाँ प्रीति कुमारी को 1380 मत मिले, वहीं रीमा देवी को 1048 मत मिले। इस तरह कुल 332 वोटों के अंतर से प्रीति कुमारी नई मुखिया निर्वाचित हुई हैं। पंचायत के प्रत्याशियों का वोट इस प्रकार है: काजल कुमारी 237, प्रीति कुमारी 1380, बसंती कुमारी 243, मैत्रेयी देवी 271, रजनी पांडे 153, रितु देवी 630, रीमा देवी 1048, ललिता देवी 118, शकुंतला देवी 974, सारिका सिंह 617। जीत के बाद औरंगाबाद जिला मुख्यालय पर किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर बातचीत के दौरान विजय सिंह और प्रीति कुमारी ने बताया कि उन्होंने जो वादक जनता से किया है उसे वे जरूर पूरा करेंगे। कौन सा पंचायत से है? पंचायत। क्या नाम हुआ? कौन सा पद? अच्छा, क्या जनता को कहना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहते हैं कि हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं पिपरा पंचायत की जनता को। जो काम रुके हुए तो विकास को पूरा होगा? हाँ हाँ पूरा होगा। क्या मुद्दा लेकर गए थे जनता के पीछे? जनता के पीछे गए हैं कि हम यही मुद्दा विकास करेंगे, काम करेंगे, जो भी आपका होगा उसको हम दूर करेंगे, शिक्षा और जो नाली गली साफ कराना है वो सब। जनता को सबसे पहले है कि पिपरा की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रीति कुमारी को जीत दिलाकर हमने पिपरा के काम करने के लिए इन्हें मौका दिया है और उसमें हम खरा उतरेंगे। जो वादा किए थे पूरा करेंगे? हम करेंगे। हम जो मेन हमारा दो मुद्दे पर गया था कि विकास डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़े थे, गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए, उसके लिए जो भी होगा जितना मदद होगा उतना हम करेंगे। जीत के बाद नवनिर्वाचित मुखिया प्रीति कुमारी अपने ग्राम कर्मा जाने के दौरान पिपरा गांव में अष्टभुजी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रीति कुमारी यादव को ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर विजय सिंह यादव ने लोगों को कहा कि वे अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। औरंगाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। पिपरा की पंचायत की जनता, महिलाएं, बच्चे, आप लोगों ने पिपरा पंचायत के प्रीति कुमारी को मुखिया के पद पर चुना है, जिसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस तरह इनको चुन कर कुछ आशा रखे होंगे, उसमें हमारे तरफ से बिना भेदभाव के सभी गांवों में एक समान कार्य करने का काम करूंगा। कोई गांव वाले ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारे यहां से वोट नहीं दिया तो मुखिया जी काम नहीं करेंगे। हमारा नीति रहेगा जो दिया उसका भी भला हो, जो ना दिया हो उसका भी भला हो। चुनाव से पहले मैं बहुत कुछ घोषणा किया था, उस मुद्दे को लेकर मैं चलूंगा और 5 साल में पूरा करने की कोशिश करूंगा।
चुनाव से पहले मैंने एक एम्बुलेंस देने का वादा किया था कि कितना पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा, वो आपको बहुत कुछ दिनों में ही आपके सामने शामिल होगा। अभी शपथ ग्रहण होगा समय है, अभी दिसंबर का समय है, दिसंबर में शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मैं जल्द से जल्द एक एम्बुलेंस लाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दूसरा एक कंप्यूटर ऑपरेटर को उठाऊंगा जिससे निःशुल्क किसी से पैसा लेकर के नहीं, जाति आवासीय आय वृद्धा पेंशन जो भी ऑनलाइन कार्ड होंगे यहीं से आपको पंचायत से ही होगा।